चतुर्थाधिकरण आरचयति, चौथाधिकरण आरंभ करते हैं। सर्वपृष्ठेष्टौ सृष्टकृत सकृत अनुष्ठानाधिकरण, सर्वपृष्ठेष्टौ सृष्टकृत रूपी जो प्रतिपत्ति कर्म है, सकृत अनुष्ठानाधिकरण, एक बार अनुष्ठान करना। क्या है वो विचार देखिए। प्रतंत्रादिभिर्भिन्ना इंद्रास्तेषां न भिद्यते, पुरुणास्तत्र शेष कार्यं किं भिद्यते न वा। भिद्यते कर्मणां भेदात् चोदकैः पृथगुक्तितः, शेषस्य सर्वतुल्यत्वात् तत्कार्यं सकृदिष्यताम्। य इंद्रिय काम वीर्य काम स्यात् तम हेतया सर्वपृष्ठया याजयेत्। ऐसे एक विशेष याग है, सर्वपृष्ठ याग नाम उसका रख दिया। जिसकी इंद्रिय की कामना है, वीर की कामना है, ये सर्वपृष्ठ नाम का याग करें। उसे छह स्तोत्र विशेष होता है, पृष्ठ स्तोत्र कहते हैं। और छह स्तोत्र का देवता इंद्र ही है। इन इंद्र में भेद करने के लिए जिस शाम से उस स्तोत्र गाया जाता है उस इंद्र का विशेषण बना दिया। उन विशेषणों के कारण से अलग अलग इंद्र हो गया। अतः लगते छह इंद्र हैं, अतः छह अलग अलग याग हैं। प्रत्येक याग का इसलिए अलग अलग प्रतिपत्ति कर्म होना चाहिए, ये पूर्व पक्षी कहेगा। सिद्धांतिक ने एक ही से हो जाएगा। रथंतरादि भिर्भिन्ना, रथंतरादि सामगान, उसके वजह से इंद्र में भेद हो जाएगा। भिन्ना इंद्र तेषाम न भिद्यते, अतः में भेद नहीं होता। रथंतरादि विशेषणों के कारण से इंद्र में भेद होगा या नहीं होगा, पहला ये था। दूसरी बात, पुरुणासस्तत्र शेष कार्यम किम भिद्यते न वा, वह द्रव्य पुरुणास उसके विशेष कार्य में भी भेद होगा कि नहीं होगा, दूसरा पूर्व पक्ष। दोनों ही पूर्व पक्ष में भेद ही माना है और सिद्धांत में अभेद मानना है। इसे भिद्यते कर्मणाम भेदात, कर्म भेद है, देवता भेद हो गया, अच्छा कर्म भेद हो गया, अतः उसका प्रतिपत्ति जो शेष है सृष्टकृत वह भी भिन्न भिन्न होना चाहिए, पूर्व पक्ष कहता है। चोदकई पृथगुक्तियुत कि अतिदेश वाक्यों के द्वारा और विधि वाक्यों के द्वारा भी पृथक पृथक कहा गया है। सिद्धांत कहते हैं नहीं, शेषस्य सर्वतुल्यत्वात्, शेष जो है सभी के बराबर है, अतः तत्कार्यम सकृतिशताम, इसे प्रतिपत्ति रूपा जो सृष्टकृत होम है वह एक ही बार करना इच्छित होगा। य इंद्रिय कामो वीर्य काम स्यात् तम एतया सर्वपृष्ठया याजयेत्। जो व्यक्ति इंद्रिय कामना करता है और इंद्रियों में विशेष रूप में सामर्थ्य विशेष की भी कामना करता है, वह व्यक्ति यह जो सर्वपृष्ठ नामक याग के द्वारा यजन करें। इति विहितायाम इष्टौ, वो अलग अलग छाप गया, इति विहितायाम इष्टौ षडिंद्रियाः एवं श्रूयन्ते। इसवीत सर्वपृष्ठ नामक इष्टि में छह अलग अलग इंद्रिय सुनने को मिल रहा है। इंद्राय रथंतराय, इंद्राय भारताय, इंद्राय वहिरूपाय, इंद्राय वहिराजाय, इंद्राय शाक्वराय, इंद्राय रैवताय इति। रतंतरसाम, बृहत्साम, विरूपसाम, विराजसाम, शक्वरीसाम और रेवतीसाम, इन सामों के आधार पर उस स्तोत्र के विशेषण रूपण इंद्र में भेद करने की प्रयास किया गया। तत्र स्वरूपेण एकोपि इंद्र पृष्ठस्त्रोत्रेषु षट्सु विहितानां षण्णां रतंतरादिसाम्नां संबंधेन विशेष्यमाणः षोडाभिद्यते। स्वरूपतः इंद्र तो एक है, लेकिन पृष्ठस्त्रोत्र में प्रयुक्त किए जाने वाले छह अलग अलग जो षट्सु विहितानां षण्णां रतंतरादिसाम्नां रतंतरादि साम विशेष जो छह विधान किए गए हैं उनके साथ संबंध जोड़ते हुए विशेष्यमाण विशेषित किए जाने पर षोड़ा इंद्र भी छह प्रकार का भेद वाला हो गया। षोड़ा भिद्यते तासाम सर्वासाम इंद्र देवतानाम
एक एव पुरुडाश विद्यते, इन समस्या है उन सभी छह इंद्र देवताओं के लिए एक ही पुरुडाश का विधान है। एक पुरुडाश छह कैसे खाएंगे, छह को कैसे दिया जाएगा, वैसे टुकड़े करके दे देंगे। द्वाशक पाल पुरुडाश भवती वैश्व देवत्वाय इति, ये विधि दिखा दिया। द्वादश कपाल वाला एक ही पुरुडाश जो है, नाना विश्व मने अनेक, अनेक मने छह इंद्र रूपी देवता है जिस यज्ञ का वैश्व देवत्वाय, द्वादश कपाल वाला एक पुरुडाश विधान किया। तस्मिंश्च पुरुडाशे, उस पुरुडाश में प्रोक्त देवताभ्य पृथक पृथक प्रदानाय बहुभ्य प्रदेशेभ्य अवदानम श्रूयते है। और एक पुरुडाश में से प्रोक्त उन छह देवताओं के लिए पृथक पृथक अलग अलग पुरुडाश के टुकड़े देने के लिए बहुभ्य प्रदेशेभ्य अलग अलग देशों से अवदान करने के लिए कहा। अवदान माने टुकड़ा करना, अवपसर्पक दो खंडन धातु, टुकड़ा करना, खंडन करना। समंतम पर्यवद्यती, तत्र देवता भेदेन, किसका समंत कर दो, समंतम माने अंतन से थोड़े 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 निकाल के दो, जब बच गया फिर क्या होगा। तत्र देवता भेदेन प्रधान भेदेन च कर्मणाम भेदे सती, देवता भेद के कारण से और अवदान का भी भेद के कारण से कर्म भेद माना गया। चोदकई पृथगत देशात, और चोदकों के द्वारा पृथगत देश होने के कारण से भी सृष्ट कृत इडादि विशेष कार्यम षट कृत्व पृथक कर्तव्यमिति चेत, इसलिए सृष्ट कृत इडावक्षण आदि जो प्रतिपत्ति कर्म है वह भी छह भागों में अलग अलग करके छह बार में करनी चाहिए, एक बार में नहीं। पृथक कर्तव्यमिति चेत सिद्धांत मैवाम शेषस्य एकत्वेन, आपको ये अलग अलग टुकड़ा करने बोला किनारे किनारे से, तो बीच का इससे एक ही तो बचा, उसको टुकड़ा करने का विधान तो है नहीं। जब बचाओ कभी छह टुकड़ा करो फिर सृष्ट धोम करो, ऐसे विधि है ही नहीं। जब बचाव गया है एक ही है वो, शेष से एकत्वेना तत्प्रतिपत्ति है पृथक्त्व असंभवात, इसे उसकी प्रतिपत्ति कर्म अलग अलग छह नहीं हो सकता। तस्मात सकृदेव कार्यमिति, एक ही बार किया जाएगा ये सिद्ध हुआ। पंचमाधिकरण मारचेति, पांचवाधिकरण आरंभ करते हैं। इस का नाम है द्विर्भक्षणाधिकरणम, द्विर्भक्षणाधिकरण दो बार भक्षण करना। अधिकतर क्या है, एक बार में भक्षण करने का विधि होता है, इन्हें एक विशेष है, आपको दो बार में करना पड़ेगा। पूर्व पक्षी कहता है अन्यत्र सर्वत्र जैसे वैसे, यहाँ भी एक ही बार में खाओ, यदि विधि का उल्लंघन हम नहीं कर सकते, इसलिए दो बार में खाने में पहले एक बार थोड़ा लो फिर दूसरी बार में शेष पूरा लो, ऐसे करना पड़ेगा। इंद्रवायव शेषस्य सकृत भक्षौता सकृत पूर्व न्याय सकृत प्राप्तौ दीर्भक्षो वचनात् भवे, इंद्रवायु देवता उसको एक बार में खाना चाहिए या अनेक बार में खाना चाहिए। पूर्व पक्ष कहेगा जो है सकृत भक्षण, जैसे अभी पूर्वाधिकरण का मैंने सकृत कर दो, यहाँ भी सकृत कर दो। सिद्धांत के विधि वशात में असकृत करना पड़ेगा, अनेक बार में करना। वही पूर्व पक्ष कहते पूर्व न्यायात सकृत प्राप्त, पूर्वाधिकरण न्याय के अनुसार एक बार में करना प्राप्त हुआ, तब सिद्धांत कहता है वचनात माने विधिवशात द्विर्भक्षो दो बार में खाना है। ज्योतिष्टों में योयम इंद्रवायव ग्रह इष्यते तत्र संस्कार्य से सोमस्य एकत्वात् सकृदेव शेष कार्यम इति चेत मैवाम, ज्योतिष्टों में याग में इंद्रवायु देवता ग्रह पात्र विधान किया है, उस ग्रह पात्र के भी संस्कार होगा, उसे शेष भक्षण होगा। तत्र संस्कार्य से सोमस्य एकत्वात् एक होने के नाते सकृदेव शेष कार्यम सकृत में ही उसके डा भक्षण हो जाना चाहिए इति चेत मैवम। द्विरइंद्रवायवस्य भक्षयति द्विरहि एतस्य वशट करोति इति वचनात् दुर्भक्षण, क्योंकि इंद्रवायु देवता के लिए जो ग्रह पात्र से दो बार वशटकार करके हवन होता है, द्विर होतस्य वशट करोति, होता जो है
दो बार वशटकार करते दो बार में आहुति देता है एक ही ग्रह पात्र का। अतएव द्विर इंद्रवायवस्य भक्षयति, इंद्रवाय देवता का भक्षण भी दो बार में करना होगा। इस विधि की वजह से वचनात् द्विर्भक्षणम्। अब अगला अधिकरण आरंभ हो रहा है, षष्ठाधिकरण आरचयति, छठाधिकरण का आरंभ करते हैं। सोमे शेष भक्षणाधिकरणम्, सोमे शेष भक्षणाधिकरण नाम के अधिकरण है। सोमेश्व भक्षो भक्षो वा न भक्षो ग्रहो मतः अल्पोक्तेर अस्ति शेषोस्यो भक्षो अपूर्व वचो बलात्। सोमेशु सोम यागों में सोम रसों का भी भक्षण होगा कि नहीं होगा? पूर्व पक्ष से भक्षण कैसे होगा, शेष बचेगा ना तब ना भक्षण करना है। अभी दो अधिकरण पहले आपने कुंभी का दृष्टांत देकर कहा पूरे कुंभ को उड़ेल देता है अतः कुछ बचता ही नहीं, इसलिए शेष भक्षण वहाँ नहीं होगा। ये विग्रह भी क्या पात्र है, पूरे ही उड़ेल देगा, वहाँ कुछ बचेगा नहीं, अतः यह विशेष भक्षण नहीं होगा, ये पूर्व पक्ष कहता है। सोमेशो अभक्षो भक्षो वा विकल्प, पूर्व पक्ष का न भक्षो, क्यों? ग्रह होम अतः, ग्रह होम होने के कारण से कुंभी होम के समान ग्रह होम, कुंभी भी एक पात्र है ना, वहाँ ग्रह भी एक पात्र है, कुंभी से भी अपने का जू आदि इस्तेमाल नहीं कर रहा है इसलिए शेष बचेगा नहीं, ग्रह पात्र में भी जू आदि का इस्तेमाल नहीं कर रहा, ग्रह से सीधे डाल रहा है, यहाँ भी शेष बचना नहीं चाहिए। ये कहता है पूर्व पक्षी न भक्षो ग्रह होम अतः, तो सिद्धांत नहीं, अल्पोक्तेर अस्ति शेषोस्य, विधान में क्या कहा, ग्रह पात्र को पूरा यूं नहीं कर देना, थोड़ा डाल के थोड़ा बचा के रख देना। हम इसके लिए दृष्टांत देते जब बताता हूँ, होम्योपैथी की दवाई के जैसे, दो बूंदी तो गिराएंगे ना, पूरा डालेंगे क्या? दो बूंद गिरा पर बचा के रख देंगे, फिर ढक्कन फट से डाल देंगे, नहीं तो उड़ जाएगा हवा से। वैसे यहाँ पर भी है, ग्रह पात्र से थोड़ा ही डालो बाकी रख दो, तो शेष भक्षण के लिए रह जाएगा। विधि है अल्प ही डालने का, इसे हम विधि कर देना, दो बुन डालो चार बुन डालो, विधि कर दिया, अब विधि के अनुसार उतना ही डालेंगे आप, यहाँ भी विधि कर दिया, अल्प ही आहुति दो, अल्प बचा लो। अल्पोक्तेर अस्ति शेषस्य, उसका शेष रहता है इसलिए भक्षो अपूर्वचो बलात्। अपूर्व विधि भी है भक्षण करने का, भक्षण के अपूर्व विधि भी है, अच्छा भक्षण तो करना ही पड़ेगा, ये भक्षण नहीं करेगा अपूर्व सिद्ध नहीं होगा, याग का अंग में न्यूनता आ जाएगी, ये दोष होगा, इसलिए भी भक्षण अवश्यम भावी है। सोमयागेषु शेष भक्षो नास्ति, सोमयागों में शेष भक्षण नहीं होता, पूर्व पक्ष क्यों? यद ग्रहान ज्योतीति कृष्ण ग्रहेण आहुति श्रवणा, जो कहा गया यद ग्रहान ज्योति, ऐसी विधि है, उसे लग रहा है संपूर्ण ग्रह पात्र से ही आहुति देना चाहिए। दृष्टांत क्या है? कुंभीषु इव, जैसे कुंभी अधिकरण में आप निर्णय दिए थे, यहाँ पर ऐसे समझो, तो शेषाभावात शेष का भाव होने से भक्षण का भी अभाव हो जाए, भक्षो नास्ति इति चेत मैवा अल्पम ज्योति विशेष वचनात् शेष सिद्ध्यति। अल्पम ज्योति तो विधि है साथ में, ग्रहण ज्योति अल्पम ज्योति, ऐसे विशेषित कर दिया गया, अतएव शेष रहेगा। तद भक्षणं तो अपूर्वार्थम प्रतिपादक वचनेभ्यो अभिगम्यते, और उसका भी भक्षण जो है ऐसे प्रतिपत्ति कर्म रूपेण नहीं कहा बल्कि अपूर्वार्थ कहा है, तो अपूर्वार्थम प्रतिपादक वचनेभ्यो अवगम्यते। आशुनम भक्षयन्ति द्विरेन्द्रवायवस्य भक्षयन्ति सदसी भक्षयन्ति इत्यादि, ये विशेष वचन है। आशुन ग्रह का भक्षण करेगा, ऐन्द्रवायु के दो बार में भक्षण करेगा, सदो मंडप पे खड़े होकर भक्षण करेगा, इधर उधर आगे आगे पीछे जाकर के नहीं, सदो मंडप में ही भक्षण करेगा, ये विधियों से स्पष्ट है। अपूर्व सिद्ध होता है इस भक्षण से, प्रतिपत्ति कर्म नहीं है, संस्कार ये नहीं है, ये विधि है वो।
इत्यादीनि वचनानि अपूर्वार्थं प्रतिपादयन्ति। ततो भक्ष्य विधानात् अस्ति सोमेषु भक्षः, भक्ष के विधान होने के कारण से सोम में शेष कार्य भक्ष रहेगा ही। सप्तमाधिकरणं मारचेति चमस भक्षाधिकरणं किं प्रयुक्तु होतुश्चमस इत्यभक्षौ वत भक्षणम् अभक्षौ अनुदितो होतुश्चमस इत्याख्यास्तु तत्। किं प्रयुक्तु होतुश्चमस इत्यादियों में होत्र चमस का भक्षण नहीं होना चाहिए या भक्षण होना चाहिए? पूर्व पक्षी कहता है प्रयुक्तु होतुश्चमस का, कहीं भक्ष हेतु नहीं कहा है, प्रयुक्तु कर दिया है प्रकट रूप ने हेतु, दे दो उसको प्रश्नपणा, रख दो वहाँ किनारे, ये अर्थ होगा इसका। खाओ अर्थ तो निकल नहीं रहा है ना। अतएव अभक्षणम, पूर्व पक्षी कहता है अभक्षो अनुक्तितो, क्योंकि भक्षण का विधि नहीं है यहाँ। अगत नहीं हो तुश्चमस, ये समास वर्ग का, यहाँ समास के द्वारा संज्ञा सिद्ध किया गया है। सभी चमस पात्र में से नाम क्यों नहीं दिया, इस चीज के लिए होता का नाम क्यों जोड़ा, अन्य तो देवताओं के नाम से जोड़ दिया है, देवताओं के नाम से आश्विन चमस है या अमुक चमस है, वो देवताओं के नाम पे, यहाँ होता के नाम पे जोड़ दिया गया। और इसके अंदर आगे भी क्या करेंगे, उद्गात्र चमस ब्रह्म चमस ऐसे कहेंगे, यौगिक नाम है ये, समाख्या प्रमाण के अंदर विनियोग होगा। अतएव होता को भक्षण करना पड़ेगा होत्र चमस का शेष को। वही समझा रहे होतुश्चमसीति आख्याया, आख्या मैंने समाख्या, समाख्या प्रमाण से अस्तु तत् भक्षण होवे। ज्योतिषो में श्रूय थे प्रयत होतुश्चमस प्रब्रह्मण प्रोद्गात्रीणाम प्रयजमानस्य इति प्रयंतु सदस्यानामिति। प्र एत होतुश्चमस, प्र एत वही जोड़ूंगा ब्रह्मण, प्र एतु उद्गात्रीणाम, प्र एतु यजमानस्य, प्र यंतु सदस्यानामिति। इन गतो धातु का एतु है विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन, यंति प्रथम पुरुष बहुवचन यंतु, इसलिए यहाँ पर जाओ अर्थ में होता है इन गतो। प्र उपसर्ग पूरक, जाओ कहाँ जाना है, पात्र कहीं जाएगा क्या, उसका अर्थ रख दो बगल में रख दो, ये अर्थ करना पड़ेगा। एक पात्र को होता के बगल में रख दो, होत्र चमस को होता के बगल में रख दो, उद्गाते के बगल में एक रख दो, एक यजमान के बगल में रख दो, एक सदस्य के बगल में रख दो, ये अर्थ कर दिया जाएगा। लेकिन जिसके बगल में जिसको रखा जा रहा है उसको खावे कोई नियम नहीं है ना, बगल में रखने को कहा गया केवल। इति तत्र वचनाभावाद अपक्ष, भक्षण के लिए कोई वचन नहीं है अतः भक्षण नहीं होगा। भाईवाम समाख्यागत चमस शब्दे भक्षण से प्रतीयमानत्वात्, समाख्या प्रमाण क्या है, यौगिक शब्दों समाख्या, वो छह प्रमाण के लक्षण दिमाग में हमेशा होना चाहिए मीमांसा पढ़ते वक्त। निरपेक्ष वह श्रुति शब्द सामर्थ्यम लिंगम है कि नहीं, संविहारो वाक्यम प्रकरण का सर्वांगोपदेश महाप्रकरणम, किंचित अंगोपदेश अवांतर प्रकरणम, स्थानंच देशच क्रमश्च पर्याय है। समाज्ञा योग्य शब्द समाज्ञा, प्रमाणों के लक्षण अब यहाँ पर गए, समाख्या समाज्ञा प्रमाण मने यौगिक शब्द है, वो यौगिक शब्द के द्वारा अर्थ निकालना है आपने। होतु चमस होता गा चमस, और चमस में भी क्या है, चम धातु क्या है, खाना अर्थ है, चम्बू भक्षण है, भक्षण अर्थ है वहां, इसे समाख्या के अंतर्गत चम धातु का प्रयोग हुआ है, भक्षण अर्थ तो अंदर छिपा पड़ा है, अलग से कहने की जरूरत क्या है, अलग से भक्षण का विधान करने की जरूरत नहीं है, समाख्या प्रमाण के आधार पर यौगिक शब्द के अंतर्गत ही भक्षण बोला गया है। चम्यते भक्षते सोमो अस्मिन पात्र विशेषिति चमसः,
क्षम्यते भक्षते सोमो अस्मिन्। इस विग्रह वाक्य से हमने चमस बनाया शब्द, किसके द्वारा भक्षण किया जाएगा, होतु चमस कर दिया, होता के द्वारा भक्षण किया जाता है, जिस पात्र सोमरस को उस पात्र का नाम रख दिया होत्र चमसा। अतः स्पष्ट है भक्षण होगा। ज्योतिषों में श्रूयते प्रयतु होतुश्चमसा प्रब्रह्मण पुरुषगात्रीणाम प्रयजमान से प्रयंतु सदस्यानाम तद्र वचनाभावाद अपक्षित सिद्धांतमेव समाख्यागते चमस शब्दे भक्षणस्य प्रतीयमानत्वात्। कैसे प्रतीत हो रहा है वही समझा दिया। चम्यते चम्मु धातु है भक्षण, आचमनम बोलते हैं ना हम लोग, चम धातु गई आचमन बनता है, आचमन कर मतलब क्या, पानी को भक्षण कर दिया, कोई चीज़ को भक्षण करना आचमन करना। अंग उपसर्ग से जल से संबंध विशेष जोड़ देते हैं, या केवल चम धातु अंग उपसर्ग नहीं है, किसी भी चीज़ को खाना पीने में समय लग जाएगा। चम्यते भक्षते सोमो अस्मिन् पात्र विशेषा इति ही तद व्युत्पत्ति ही तस्माद् अस्तित्व भक्षणम्, इसलिए उसका भक्षण होगा। होता का द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा, उद्गाता के द्वारा, यजमान के द्वारा भक्षण किया जाता है, तस्माद् अस्तित्व भक्षणम्। अष्टमाधिकरणम् आरचेति उद्गात्री चमस भक्षणाधिकरणम्, उद्गात्री चमस के भक्षणाधिकरणम्। प्रोद्गात्री नाम उसी विषयवाक्य विषयवाक्य वही है, माया था ना प्रोद्गात्री नाम आया था, उसको लेकर विचार है। प्रोद्गात्री नाम इति एक उद्गाता भक्षेदुत सर्वे किं वा शुभ्र नेनो न सामगायिनः सहितास्तेन तेवाद्य उद्गात्री श्रुतितो अखिलाः बहुत्वाद् गानयोगेन तृतीयो रूढ़िबाधिते योगे समाज्ञया दंडिन न्यायादंत्योत्र भाष्यगः सदसी स्थित्यभावेन तृतीयो वार्तिकोदितः। भाष्य मत अलग है, वार्तिक मत अलग है। यह विचार हो रहा है प्रोद्गात्री नाम, बहुवचन हो गया ना, मैंने उद्गात्री गण में कितने होते हैं, चार लोग होते हैं, एक सुब्रमण्य नाम का अलग होता है चेड़ा, वो भी लेगा क्या, चारों के चारों खाएं, अलग अलग पूर्व पक्ष है। पहला पूर्व पक्ष कहता है रूढ़ी होने से उद्गात्री प्रतिपादिक का रूढ़ होने के नाते जो है तो रूढ़त्वात् जो है एक उद्गाता भक्षेत, एक अकेला उद्गाता ही भक्षण करना चाहिए, पहला पूर्व पक्ष। उत सर्वेपि क्यों वा सुब्रह्मण्य न पुनः, अतः सुब्रह्मण्य को छोड़ दो कि वो सदो मंडप में रहता नहीं है, बाहर रहता है तो उद्गात्री गण का, इन्हें बाहर रहता है कि यहाँ पर क्या कहा था सदसी मंडप में खाना है, तो सदो मंडप में रहने वाले तो खाएंगे ना, बाहर में रहने वाला अंदर कैसे घुसेगा, उसको अंदर जाने का अधिकार ही नहीं है, वो अंदर जा ही नहीं सकता, वहाँ कैसे खाएगा वो, इसे उसे छोड़ के ऊना सुब्रह्मण्य न ऊना एक को छोड़ के तीन ही खाना चाहिए। सामगाय न सहितास्ते न, अतः अंतिम पक्ष क्या है चौथा, तेन सहिता सुब्रह्मण्य के सहित, भले बाहर ही खाएगा उसको दे दो, बाहर खा लेगा वो, भले बाहर रह रहा है तो सही नहीं कि उसको खिलाओगे नहीं क्या, जैसे आपके यहाँ कोई भगत आ गया उसके कार ड्राइवर बेचारे कार में रहता है और बाहर है उसको भोजन नहीं दोगे, उसको देंगे वो वहीं बाहर खा लेगा, आपके पंगत में नहीं खाएगा, इन वहाँ खाएगा ना वो, कहीं अन्यत्र बैठ के खा लेगा, यहाँ भी सुब्रह्मण्य सदो मंडप में भले प्रवेश नहीं है बाहर तो खा सकता है, उसका हिस्सा उसको दे दो, बाहर बैठ के खा लेगा वो सुब्रह्मण्य के सहित लो, सबको लो बहुवचन की वजह से। अब एक एक पक्ष बता रहे तेन तेवा अद्य तेन सहिता, ये चौथा पक्ष, तेवा अद्य आद्य एवं आद्य पक्ष ही ले केवल उद्गाता खाएगा, उद्गात्री श्रुति तो अकेला, अतः उद्गात्री नाम करके बहुवचन जो प्रयोग हुआ इसीलिए अकेला लेनी चाहिए।
पहले उद्गात्री नाम के आधार पर, उद्गात्री नाम किसी का होता है, एक ही का नाम है, उसे गण में अन्य भले ही हो, नाम तो एक ही का है ना, इसलिए वो अकेला ही करना चाहिए। लेकिन बहुवचन के कारण से दूसरे पूर्व पक्ष ने कहा अकेला हा बहुत्वाद वही बहुवचनत्व। गान योगे न, गायन का योग के कारण से उनको भी ले लेनी चाहिए। तृतीयो अतः तीसरा पक्ष लो रूढ़ी बाधित है, तब कहते हैं तृतीय पक्ष ले लो। तृतीय पक्ष क्या है? सुब्रमण्य को छोड़ करके समाज्ञया दंडी न्यायात, या योगी की समाज्ञा के प्रमाण के आधार पर दंडी न्याय के लेकर के अंत्योत्र अंत्य पक्ष लेना भाष्यकार के अनुसार। लेकिन वार्तिकार कहते नहीं नहीं तीसरा वाला पक्ष है ना सुब्रमण्य को छोड़ के करना वही ठीक है। क्यों? सदसी स्थित्य भावेन, जब सदो मंडप में प्रवेश ही नहीं उसको और संदो मंडप में खाना है, बाहर खाने का अधिकार नहीं है। जो इड़ा भक्षण होता है, आप ड्राइवर का दृष्टांत लेते हो, वो बाहर खाने का उसको अधिकार है, लेकिन यहाँ बाहर खाने का अधिकार ही नहीं। वैदिक कर्म है, वैदिक कर्म में क्या का सदो मंडप में ही खाना है, और सुब्रमण्य को नामक ऋत्विक को सदो मंडप में प्रवेश ही नहीं है, तो अंदर बैठ के कैसे खाएगा वो, इसे उसको भक्षण ही नहीं होगा, स्वयं भक्षण नहीं होगा। इस वार्तिककार ने सदसी भक्षयन्ति इस विधि के आधार पर सुब्रमण्य का अधिकार भक्षण का नहीं है, ये वार्तिककार का मत है। पूर्वाधारित वाक्य प्रोद्गात्रीणाम इत्यत्र एकस्यैव भक्षः, एक अकेला उद्गाता कोई बहुवचन में भले ही बोल दिया, इन उद्गात्री ये जो नाम है रूढ़ है, किसमें रूढ़ है? उद्गात रूप एक ऋत्विक में रूढ़ है, इसे अकेला ही भक्षण करेगा पूर्व पक्ष कहता है। उद्गीत शब्द अभिधेयः साम भक्ते उद्गात्री उद्गात्री प्रातिपदिकस्य रूढ़त्वात् इति एकः पूर्व पक्ष, क्योंकि उद्गीत शब्द के द्वारा सुप्रसिद्ध अभिधेयभूता साम का एक अवयव है। पंचावयव साम होता है, पांच भक्तिक या सप्त भक्तिक, बीच वाले अवयव का नाम उद्गीत। उस उद्गीत रूपी अवयव को जो गाएगा उसका नाम उद्गाता, ये रूढ़ है उद्गात्र शब्द। जैसे साम भक्तेर उद्गातरी उद्गात्री प्रातिपदिकस्य रूढ़त्वा, रूढ़ होने से इति एक पूर्व पक्ष, इसलिए एक ही भक्षण करेगा उद्गाता अकेला, पहला पूर्व पक्ष। दूसरा उद्गात्रिणाम इत्यस्य बहुत्वस्य एकस्मिन् असंभवात्, बहुवचन एक के लिए प्रयोग करना ठीक नहीं। जैसे अन्य में एक वचन प्रयोग किया ना, पीछे भी देखो क्या वहाँ पर ब्रह्मणः, आगे में यजमानस्य एक वचन है, उससे पहले भी होतुश्चमस एक वचन है, सर्वत्र एक वचन करके ये अकेले इसमें बहुवचन करने का तात्पर्य कुछ तो होगा, व्यर्थ थोड़ी बहुवचन किया जाएगा इसे। वहाँ भी एक वचन कर सकते उद्गातुहु बोल सकते थे एक वचन। एकस्मिन् असंभवात् उद्गात्रोपलक्षितः षोडशऋत्व, उद्गात सुप्रक्षित क्या करेंगे, केवल उद्गात्र गण चार नहीं बल्कि पूरे सोलह ऋत्विकों को स्वयं भक्षण करना चाहिए, ऐसे दूसरा पूर्व पक्ष बिल्कुल गलत पूर्व पक्ष है। इति उद्गीत प्रस्ताव प्रतिहारान साम भागान उद्गात्री प्रस्तोत्री प्रतिहर्तार प्रयोग काले गायन्ति, यानी उद्गाता उद्गीत के प्रस्ताव हो जाता है जब, तब प्रतिहारान साम भागान प्रतिहरण करने वाले साम भागों को कौन कौन गाता है? उद्गात्री प्रस्तोत्री प्रतिहर्ता, चार तीन लोग गाते हैं, तीन लोग गाते हैं। सुब्रमण्य बाहर रहता है, गाता नहीं वो। उत्कर्षेण गायंती इति योगी का अर्थ लो, रूढ़ मत लो। उत्कर्षेण गायंती इति योगेन उद्गातारस त्रयो भक्षे यो हो, तीन लोग हैं इन्हीं को भक्षण करने का अधिकार, ये तीसरा पक्ष है। रूढ़िर योगम अपहरति इति न्यायात, रूढ़ी जो है योगी का योगी कर्त्व को अपहरण कर देता, योगात रूढ़िर बलियसी नियम है। अतएव एक एव उद्गा रूढ़िर योग अपहरति इति न्यायात, एक एव उद्गाता तेन बहुवचन उपपत्ते प्रत्यासन्ना उपलक्षन्ते, उससे बहुवचन जो उपादन किया वह निकट में समीप में स्थित अन्य सबको लिया जाएगा।
प्रत्यासत्तिश्च प्रस्तोत्री प्रतिहर्त्रोरिव सुब्रह्मण्यस्यास्ति। प्रत्यासत्ति जो है उद्गात्र शब्द आते ही उसे गण वाले ये तीनों आ जाएंगे, प्रस्तोता भी आ जाएंगे, प्रतिहर्ता भी आएंगे और सुब्रह्मण्य भी आएगा। क्यों? सामवेद अध्यायित्वेन सुब्रह्मण्य आह्वान रूपे तदीय कर्मणि औद्गात्र समाज्ञा सत्वात्। क्योंकि सुब्रह्मण्य नामक जो है ऋत्विक है, सामवेद को वो भी अध्ययन करने वाला है, आह्वान रूपी कार्य में उसी को ले ग्रहण किया गया, अतएव उस कर्म में उसका औद्गात्र समाख्या प्रमाण से प्राप्त हो जाता है। तस्मात् सुब्रह्मण्येन सहिता चत्वार सामगः भक्ष्यो, उस गण के चारों को भक्षण करना चाहिए। इति अयम अंत्य पक्ष भाष्यकारस्य अभिमतः। अंतिम पक्ष भाष्यकार का भी मत है और तीन वाला वार्तिककार का भी मत है। तो वार्तिककारस्तु, वार्तिककार कहते नहीं सुब्रह्मण्य को हम जोड़ेंगे नहीं, सुब्रह्मण्य सहित नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वार्तिककारस्तु सदसो भक्षण स्थानत्वा, क्योंकि वार्तिककार का कहना है सदो मंडप है भक्षण का स्थान और वहाँ पर सुब्रह्मण्यस्य सदसी अप्रवेशात, उस सदो मंडप में सुब्रह्मण्य का प्रवेश ही नहीं है। तेन विरहिता अवशिष्टा सामगा, इसलिए उसे छोड़ करके अवशिष्ट जो सामगायक जो तीन लोग हैं उद्गाता प्रस्तोता और आपके प्रतिहर्ता, उद्गाता प्रस्तोता प्रतिहर्ता, ये तीन को ही भक्षण का अधिकार है वार्तिककार के अनुसार। अवशिष्टा सामगा भक्षंती अमुमेव तृतीय पक्षम अंगीचकार, चौथा पक्ष भाष्यकार का, तीसरा पक्ष जो है वार्तिककार का सिद्ध हुआ। मैंने भाष्यकार के अनुसार चारों लोगों को खाने का अधिकार है, वार्तिक के अनुसार तीन को ही अधिकार बनता है। नवमाधिकरण महारचयति, नवे अधिकरण का आरचना करते हैं। हारि योजनाधिकरणम, हारि योजन में एक पात्र विशेष का नाम है, उस पर विचार कर रहे हैं क्या उसका भी भक्षण आदि होगा कि नहीं होगा, कौन करेगा। किम स्यात् चमसिनामेव हारि योजन भक्षणम सर्वेषां वा अग्रिमस्तेषां पूर्ववाक्येन सन्निधेः लिप्सन्ते सर्वये वेति हारि योजन वाक्यतः ग्रावस्तुतोप्यस्ति भक्षस चमसित्व मकारणम। कहते देखो किम स्यात् चमसिनाम एव हारियोजन भक्षणम सर्वेषां वा, हारियोजन नम्मा पात्र के जो अवशिष्ट सोमरस है उसके भक्षण का अधिकार केवल जो चमस पात्र के भक्षण करने वाले हैं उन्हीं को है या उनसे भिन्न सभ्यों को है। सर्वेशां वा, पूर्व पक्ष कहता है अग्रिमा पक्ष हो मैंने चमसियों को ही रहेगा, तेषां पूर्ववाक्येन सन्निधेः कि सन्निधि प्रमाण से पूर्ववाक्य के निकट रूपेण स्थित होने से उसे प्राप्त है वो लोग। सिद्धांत के नहीं लिप्सन्ते सर्वये वैति, ये विशेष पात्र है इसके प्रसाद सब चाहते हैं। ऐसे होता है ना, विशेष भोग लगता है जैसे आपके कन्हैया का वृंदावन में भांगे बिहारी लाखों रुपए लगाते हैं उसके लोग, हमको मिले अपने परिवार उसको इतने तो इतने रुपये बांट लेंगे, बोली लगती है सब खाएं है ना, सबको मिलना चाहिए। अब बोली लेकर गड़बड़ करते हैं लोग, पूरे जो आए दर्शन करने सबको दो, पैसे कमाते हैं ट्रस्ट कमाते हैं, इस चक्कर में गड़बड़ करते हैं। तो सबको अधिकार है, शास्त्र भी कहता है विशेष जो है उस पर सबको अधिकार होता है बराबर। लिप्सन्ते सर्वे वैति हारि योजन वाक्यता, हारि योजन वाक्य में बात स्पष्ट कहा गया इसे ग्रावस्तुत्वोऽपि अस्ति भक्ष चमसित्वम अकारण, इसलिए चमसित्व यह कारण नहीं है भक्षण के प्रति, ग्राह वस्तुत्वादि अन्य सबको भी यह खाने का अधिकार हो जाता है। हरि रसी
हरियोजन इत्यनेन मंत्रेण गृहमाणो ग्रह हरियोजन नामक ग्रहपात्र है। हरिरसी हरियोजन इत्यादि मंत्र बोलते हुए जिस ग्रहपात्र को उठाया जाता है उस ग्रहपात्र का नाम हो जाता है हरियोजन। होत्री ब्रह्मादेश चमसीना, अभी आपने पढ़ा था होता है, ब्रह्मा है, उद्गाता है, यजमान है, इस चमस पात्र के भक्षण करने वाले चमसी कहा जाएगा, जैसे दंडी शब्द के समान चमसी इनका नाम हो गया। यदि दंडी न्याय कहा था ना, बोले दंडी न्याय, दंडो से स्थिति दंडी, चमसो से स्थिति चमसी। अतएव वहाँ चमसी चमस भक्षण करने का जिन जिन को अधिकार है उनको ही हरियोजन का भी अधिकार है, ये पूर्व पक्षी कहेगा। होत्र ब्रह्मा चमसिना यस्तु चतुर्नाम होत्रनाम मध्य चतुर्थो ग्रावस्तु नामकोस्ति नासो चमसी। ये होत्रिगण में भी चौथा वाला अधिगम का नाम क्या था, ग्रावस्तु। जैसे उद्गात्रीगण में चौथे का नाम क्या था, सुब्रमण्य, उसको सतमंडल में प्रवेश नहीं, इसको भक्षण नहीं, ऐसे भाष्यकार ने कह दो और वार्तिकार ने मना कर दिया, जिसका प्रवेश नहीं उसको हई नहीं करके। वार्तिकार ने कहा सुब्रमण्य को नहीं होगा और भाष्यकार ने कहा उसको सहित करो। यह भी वही प्रश्न उठ रहा है, होत्रिगण में जो चौथा है ग्रावस्तुत उसको भी हरियोजन में अधिकार है या नहीं, जिसको चमस में अधिकार नहीं उसको हरियोजन में भी अधिकार नहीं, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। चतुर्नाम होत्रिनाम मध्य चौथा जो है ग्रावस्तुत नाम का ऋत्विक है, वह नाम को अस्ति नासो चमसी, वो चमसी नहीं है। अतः तत्र चमसनामेव हरियोजन भक्षणम, चमसियों को ही हरियोजन भक्षण का अधिकार है, अतः ग्रावस्तुत का अधिकार नहीं होगा। ये कैसे तय हुआ, चमसियों को ही हरियोजन का अधिकार है, कुतः यथा चमसम अन्यांश चमसांश चमसिनो भक्षयन्ति अथ एतस्य हरियोजनस्य सर्व एव लिप्सन्त इत्यत्र। यहाँ पर अथ करके अलग अलग वाक्य कर दिया, विभाजन हो गया। यथा चमसम अन्यांश चमसांश चमसिनो भक्षयन्ति, जैसा अन्य अन्य चमसों को ये चमसी लोग भक्षण करते हैं, अलग कर दिया। अथ वैसे यहाँ नहीं है, मैंने चमसित्व निमित्त कारण नहीं है हरियोजन भक्षण के प्रति स्थापित कर रहा था, विभाग कर दिया। ये तस्य हरियोजनस्य सर्वैव कह दिया, सबके सब उसका प्रसाद पाना चाहते हैं। इत्यत्र पूर्ववाक्य चमस नाम पूर्व पक्ष कहना है, पूर्ववाक्य में चमसियों को निमित्त माना सन्नीतत्व सन्नीत होने से उत्तर वाक्य भी सर्वशब्देन तेषामेव अभिधातव्यत्वात्, पूर्व उत्तर वाक्य में स्वर शब्द से उन सभी चमसियों को ही लेना चाहिए। अतो नास्तिक ग्रावस्तुतस्तत्र भक्ष इति प्राप्ते ब्रूमः, से ग्रावस्तुत को जो है हरियोजन के अंश उसको नहीं मिलेगा। इति प्राप्ते ब्रूमः सिद्धांत नहीं, अत शब्द नहीं वह अत शब्द है ना, और एव कारण च अत शब्द से भी अलग कर दिया, और सर्व एव लिप्सन्ते सभी लालयित थे उसको पाने के लिए, एवकार के द्वारा भी व्यावर्तन कर दिया पूर्व का। इसलिए अथ शब्देन एव कारणे च चमसि मात्र शंकाम अपहोय वाक्येण विहितस्य सर्वभक्षणस्य सहित सन्निहित मात्र संकोच अयोगात्। इस वाक्य के द्वारा विहित सर्वभक्षण को सन्निधि मात्र प्रमाण से संकोच करना उचित नहीं है, इसलिए अस्ति ग्रावस्तुतो भी भक्षः, ग्रावस्तुत को भी भक्षण का पूरा अधिकार है। तस्मात् चमसित्वं न भक्षणे कारणम्, इसे हरियोजन के भक्षण में चमसित्व को का निमित्त कारण नहीं माना जाएगा। दशमाधिकरण आरचेति, दशमाधिकरण आरंभ करते हैं, वषट् कर्तृ प्रथम भक्षाधिकरणम्, वषट् कर्ता को ही प्रथम भक्षण करने का अधिकार, भक्षण करने का अधिकार बता दिया, ब्रह्मा को है, होता को है, यजमान को है, और अभी बताया उद्गातगण की भी कोई मत में तीन को है या सभी को है, अभी विचार के अनुसार कौन पहला खाएगा। ऋतिकों में सर्वश्रेष्ठ ऋतिक कौन है, ब्रह्मा, इसलिए अन्य लोग कहेंगे इसलिए सर्वश्रेष्ठ हुई है,
पहले उनको खाने दो। तब कहेंगे नहीं, विधि कहता है वशट का होता को ही पहले भक्षण करना है, इसलिए वशट कर्त्री प्रतिभक्षाधिकरण आरंभ होता है। आद्य भक्षे वशट कर्तुर विधि प्राथम्य एव किम क्यों वा तद्युक्त भक्षे स्याद वशटकार निमित्तक अप्राप्ते रग्रिमो मैवं समास स्थित्य संभवात विशिष्टस्य विधिस्तस्माद् वशटकारोपि कारणम्। आद्य भक्षे वशटकर्तुर विधि, आद्य भक्ष में प्रथम भक्षण में वशटकर्ता संबंधी विधि है, यह विचार करना है। प्राथम्येव किम किम वा तद्युक्त भक्ष स्यात्, सकल लोगों के प्रति प्राथम्य माना जाए या तद्युक्त में प्रथम मात्र माना जाए। वशटकार निमित्त के जो है आद्य भक्षे वशटकर्तुर माने जाए। अप्राप्तेर अग्रिमो, विशेष प्राप्ति न होने से पहला पक्ष को लो, पूर्व पक्ष। सिद्धांत है मैवाम समास स्थित्य संभवात वशटकर्तु, वशटकर्तु में समास है ना, वशट ऐसा, वशट इति या करोति सा वशटकर्ता तस्य वशटकर्तु, फिर समास कैसे घटेगा, प्रथम भक्षा उसके साथ जुड़ रहा है, वशटकर्तु प्रथम भक्षा विधि है। समास स्थित्य संभवात विशिष्टस्य विधि, विशिष्ट को ही विधान किया गया, तस्मात वशट का आरोप कारणम, वशट कर्तृत्व जो है या निमित्त कारण बन जाता है प्रथम भक्ष के प्रति।